अच्छा टीटी साहब, इसमें पानी नहीं आ रहा, इसका क्या करें? बढ़वाऊंगा आगे। तो खुला हुआ है ये, देखो ये, देखो टीटी साहब, आप कंप्लेंट कर सकते हो। सोचा भी नहीं है। तो भाई आज की हमारी जर्नी होने वाली है S6 में, सीट नंबर एक। रेल लीडर कितने की दे दो। लाओ भाई, यहाँ बिल्कुल खत्म हो रखा है। यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगी अपनी पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लोगों के बैग चेंज हो जाते हैं, ध्यान से उठाना अपना बैग। ये देखो, उठा के आपका बैग कोई भी उठा के ले आता है, इस बात का ध्यान रखना है भाई। ये बात देखो भाई साहब। तो आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है 12413 पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि चलती है अजमेर से जम्मू तवी के लिए और जाती है भाई जयपुर, दिल्ली, लुधियाना होते हुए। आप कभी अगर दिल्ली रेलवे स्टेशन आते हैं, आप हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि पिछली बार जब मैं दिल्ली आया था तो भाई मेरा फोन और पर्स दोनों चोरी हो गए थे, भारी नुकसान हो गया था। क्योंकि भाई यहाँ अगर आपकी नजरें हटी और दुर्घटना घटी, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। तो आओ चलते हैं स्टेशन के अंदर। भाई एक रेल लीडर कितने की दे दो। लाओ भाई, एक 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 साथ में ही तो है भाई मेरे। तो भाई कभी भी अगर आप रेल नील रहते हो तो भाई पूरा ये देख लिया करो कि कभी उसका पूरा ढक्कन पैक हो, और हाँ ठंडी हो या गर्म, रेट होंगे पूरे 15 रुपये, इससे ज़्यादा की बिल्कुल मत लेना। यहाँ हो जाते हैं भाई, यहाँ लोगों के बैग चेंज हो जाते हैं, ध्यान से उठाना अपना बैग। ये देखो भाई, यहाँ हो जाते हैं लोगों के बैग चेंज। हाँ ये देखो भाई, यहाँ हो जाते हैं लोगों के बैग चेंज। तो यहाँ से कभी भी अगर आप जाते हो ना, भीड़ का फायदा उठा के आपका बैग कोई भी उठा के ले आता है, इस बात का ध्यान रखना है भाई। ये बात देखो ले भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो अपने बैग का हमेशा ध्यान रखा करो। तो भाई ये है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3, यहीं पे आएगी अपनी अजमेर से चलकर जो जम्मू तवी जाने वाली ट्रेन है पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जब ट्रेन आती है ना, यहाँ पे ट्रेन का लोकोमोटिव जो है चेंज होता है, मतलब रिवर्स में वापसी ट्रेन रिवर्स में ही जाती है। तो आओ चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और आपको दिखाते हैं अभी पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपनी आती है, और आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल। और भाई ये जो रेलवे स्टेशन है ना, मेरे को ये वाला हिस्सा इसका बहुत ही बढ़िया लगता है, ये देखो। और आपको कैसा लगता है मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो भाई ये वाला जो हिस्सा है। तो भाई ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है ना, ये देखो भाई, यहाँ बिल्कुल खत्म हो रखा है। यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगी अपनी पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही आएगी अपनी पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये देखो बिल्कुल जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल खत्म है, और उसके बाद से इसका जो लोकोमोटिव है वो फिर वापसी जाके पीछे जहाँ से आई है वहीं जाएगी, मतलब रिवर्स में ट्रेन चले जाएगी अपनी अजमेर से जब आती है, और डेली इसी तरीके से जाती है। तो आपको दिखाते हैं जब अभी पूजा अपनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस आने वाली है, और आपको दिखाते हैं ये कैसे होता है लोकोमोटिव चेंज। आओ पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये देख लो भाई, मात्र 5 मिनट की देरी से चल रही है अपनी पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 5 मिनट की देरी से पहुंची है अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और अभी देख रहा आप ट्रेन यहाँ पे लगी है, और यह आ रही है अजमेर से। ये देखो भाई जम्मू तवी अजमेर एक्सप्रेस। अभी दिखा दे तुम्हें इसका जर्नल का हाल, ये देख लो भाई। लेकिन फिर भी ट्रेन खाली है, देख लो भाई, ये देख लो एक बार। ये लो जी, गाड़ी लग चुकी है, आराम आराम से उतरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो भाई, ये देखो भाई, यहाँ होगा लोकोमोटिव पूजा सुपरफास्ट का चेंज, और ये देखो भाई तुरंत हटा देंगे, क्योंकि जो गाड़ी है ना ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो चुकी है, 25 मिनट का टाइम मिलता है ट्रेन को लोकोमोटिव चेंज करने के लिए। ये देख लो भाई, मात्र 20 मिनट के अंदर इनको लोकोमोटिव अपना चेंज करना है भाई। ये देख लो, लो जी, ये देखो भाई साहब कैसे फेंक रहे हैं तुरंत में, मोहित जम्मू। लो जी, ये देखो, देखो भाई साहब सामान देखो तुम कितना उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखो भाई भाई आपको बता देता हूँ, इस ट्रेन के अंदर टोटल 4 जनरल कोच आगे लगे हुए हैं, लेकिन अब ये पीछे हो जाएंगे, और 2 पीछे लगे हुए हैं। टोटल इस ट्रेन के अंदर आपको 6 जनरल कोच देखने को मिल जाएंगे। तो भाई देख लो, बिल्कुल 10:25 पर ऑन टाइम ट्रेन निकल चुकी है पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ये देखो भाई, हाजी बाय, जय माता दी भाई। देखो भाई, और आपको बता देता हूँ, इस ट्रेन के अंदर भाई आधे ज़्यादा सवारी होती है माता वैष्णो देवी कटरा वाली, क्योंकि ऐसा है
उत्तर संपर्क क्रांति जो दिल्ली से माता वैष्णो देवी जाती है उसके अंदर सीट मिलना बहुत नामुमकिन होता है, बहुत कम चांस होता है कि उसमें आपको सीट मिल जाएगी, वो पहले ही बुक हो जाती है। तो इसीलिए अगर जो भी माता वैष्णो देवी जाता है वो ज़्यादातर बंदा जम्मू तवी पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की टिकट बुक करा लेता है। तो ये देखो भाई अभी हम कर रहे हैं डिपार्चर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को, खाली पड़ा है बिल्कुल। ये देखो भाई, ये लो जी, क्यों? तो भाई आपको बता देता हूँ, कभी अगर आप दिल्ली को क्रॉस करते हैं ट्रेन के साथ तो हमेशा अपने फोन का ध्यान रखना, क्योंकि फोन हल्का सा भी अगर आप बाहर करते हो ना फोन आपका तुरंत छिन जाएगा। इतनी खतरनाक जगह है भाई दिल्ली, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कभी भी अगर आप कहीं से भी दिल्ली में आते हो तो फोन छिन जाता है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हो जाता है, तुम्हारे साथ कभी हुआ है? हाँ देखा है ना, तो भाई हो जाता, देख लो इन्होंने भी देखा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और आओ चलते हैं जर्नी के अंदर वापस। भाई ये देख लो अपनी S6 कोच में ये वॉश बेसन है पूरा। और ये देखो भाई क्या हो रहा है, ये वाला गेट बिल्कुल ऐसे करके खुला हुआ है, ये देखो भाई। और ये टिकट के जो पैसे हैं वो पूरे हैं, लेकिन सुविधा जीरो जीरो है, बिल्कुल जीरो। ये देख लो भाई, पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अच्छा टीटी साहब, इसमें पानी नहीं आ रहा, इसका क्या करें? भरवाऊंगा आगे। करवाओ यार, देखो पैसे पूरे दिए हमने, इसी में मजाक नहीं। ये पूरा खुला हुआ है, ये देखो, ये देखो टीटी साहब, आप कंप्लेंट कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो एक बार ध्यान दो उस पर भी। ये देखो भाई क्या हालत हो रखी है। जो पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ना, ये इसने दिल्ली से ही पूरी स्पीड अपनी पकड़ ली है। और अब इसका जो नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है वो आने वाला है करनाल, और इसका आपको बता देता हूँ पूरे 1 घंटे 40 मिनट बाद अगले स्टॉप पे रुकती है दिल्ली से चलने के बाद करनाल। तो बस अभी वही करनाल आने वाला है, और अभी देख लो ट्रेन पूरी खाली पड़ी हुई है, मतलब जिस बंदों की सीट है ना बस वही बंदे बैठे हैं, उसके अलावा कोई वेटिंग वाला इस ट्रेन में नहीं बैठा हुआ है, देख लो भाई आराम से। वरना अगर आप ट्रेनों की हालत देखोगे ना, यहाँ पे भी बैठने की आपको जगह नहीं मिलती है, ऐसी हालत होती है। जो ट्रेनें बिहार यूपी इस तरफ जाती है उन ट्रेनों की ऐसी हालत होती है। तो ये देख लो भाई, ये एक अपनी जम्मू तवी पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बिल्कुल साफ सुथरी सी लग रही है, देखो भाई। तो भाई आपको बता देता हूँ, अभी जो अपनी ट्रेन है पूरी आधे घंटे लेट हो चुकी है। टाइम करनाल पे 11:30 बजे पहुंचने का था और 11:30 भी यही बच चुके हैं, आधे घंटा दूर और है अभी अपनी ट्रेन। और मुझे भाई अभी आंखों में आ रही है नींद। तो भाई अब आपको मिलते हैं सुबह, जहाँ पे भी आप खुलती है वो रेलवे स्टेशन आपको दिखाते हैं। और अभी वैसे भी कुछ रात हो चुकी है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं ट्रेन जर्नी में। तो आपको मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में जहाँ अपनी आप खुलती है। तो आओ चलता हुआ अपनी सीट पे, जब तक के लिए सभी भाइयों को गुड नाइट। भाई ये टाइम देख लो, 8:26 हो रहे हैं सुबह के, और अभी अभी जस्ट आँख खुली है और पता लगा कि भाई हम जम्मू विजयनगर को पार कर चुके हैं, और अब जो स्टेशन आने वाला है वो जम्मू आने वाला है। यही खासियत है अपनी इस पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। आपको बता देता हूँ भाई, पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है ना, आपको एक होटल की तरह लगेगी। आप रात को उसमें बैठो और सो, और सुबह आपकी आँख खुलेगी, आप पहुँच जाओगे सीधा जम्मू।
भाई अजमेर से पूरी 1070 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है जम्मू तवी पे। और जम्मू तवी पे आपको बताया था, यहाँ पे ज्यादातर सवारी जो होती है वो वैष्णो देवी जाने वाली होती है, जो राजस्थान जयपुर अलवर से आ रहा सीधा बंदा वो जम्मू तवी आया था। और जम्मू तवी आने के बाद यहाँ से माता वैष्णो देवी चला जाता है। जो पीछे कोई ट्रेन आ रही है वो पकड़ के या बाहर आपको बस मिल जाएगी, 60-70 या 100 रुपये तक लेगा। और ये देख लो भाई, ये है अपनी पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और इस ट्रेन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ट्रेन है ना भाई, रात को अगर आप दिल्ली से पकड़ रहे हो तो रात को बैठो इस ट्रेन में और सुबह सुबह आप पहुँच जाओगे जम्मू तवी, और यहाँ से आप कुछ भी पकड़ के जा सकते हो माता वैष्णो देवी। तो भाई मिलते हैं किसी और ट्रेन जर्नी में किसी और सफर के साथ, जब तक के लिए सभी को धन्यवाद।